लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों आज इस प्रोग्राम के फनकार हैं जाने माने गीतकार योगेश। गीतकार योगेश का पूरा नाम है योगेश गौड़, लेकिन बतौर गीतकार उन्हें जाना पहचाना गया योगेश के नाम से। 16 अप्रैल 1943 को लखनऊ में जन्मे योगेश को अपने विचारों को कागज पर उतारने का शौक बचपन से ही रहा। अपने शौक को प्रोफेशन बनाने की खातिर उन्होंने मुंबई का रुख किया। साल की उम्र में मुंबई आकर योगेश ने बतौर गीतकार शुरुआत में सी ग्रेड फिल्मों के लिए गीत लिखे, जैसे फ्लाइंग सर्कस, मार्वेल मैन, रुस्तम कौन, हुस्न का गुलाम वगैरह वगैरह वगैरह। लखनऊ की अपनी नवाबी कोठी को छोड़कर
मुंबई आने पर योगेश को यहाँ की जमीनी हकीकत का पता चला कि संघर्ष बहुत करना होगा, लेकिन वो रुके नहीं क्योंकि उनके एक कजिन विजेंद्र गौड़ जो पटकथा लेखक थे योगेश का आत्मविश्वास बढ़ाते रहे और रफ्ता रफ्ता कई म्यूजिक कंपोजर से मुलाकातों का दौर भी चलता रहा और एक दिन संगीतकार रॉबिन बनर्जी के संपर्क में आकर योगेश ने अपनी कलम का कमाल दिखाया। वो फिल्म थी सखी रॉबिन। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए। तुमको घर ऐतबार आ जाए, जिंदगी में बाहर आ जाए। सखी रॉबिन के लिए संगीतकार रॉबिन बनर्जी ने योगेश के 6 गीतों को सिलेक्ट किया और ये वो दौर था दोस्तों जब योगेश को प्रति गीत 25 रुपए के हिसाब से पारिश्रमिक दिया गया। कमाल ये था उस दौर में रेडियो सिलोन के प्राइम स्लॉट पर योगेश के 2 गीतों को जगह मिली जो अपने आप में लोकप्रियता का उच्चतम पैमाना रहा। सिलसिला आगे बढ़ा और योगेश की गीतकारी भी रफ्तार पकड़ चुकी थी। संघर्ष के दिनों में गीतकार योगेश ने मुंबई महानगर की झुग्गी में भी दिन गुजारे, बाद में चौल सिस्टम के घर में भी खुद को शिफ्ट किया। उन्हीं दिनों योगेश जाने माने संगीतकार सलिल चौधरी के संपर्क में आए और सलिल दा ने उन्हें आधे घंटे में गीत लिखने को कहा, लेकिन अचानक मिले इस मौके से योगेश खुद को समायोजित नहीं कर पाए और गीत न लिख पाने की वजह से उनके घर से बाहर चल दिए। अचानक बस स्टॉप तक पहुंचकर कुछ लाइनें उनके दिमाग में उभरी और योगेश वैसे ही फिर सलिलदा के घर में पहुंचे और उनकी दी गई ट्यून पर उनके मुताबिक गाने को पूरा किया। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है बहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी के साथ गीतकार योगेश की ट्यूनिंग बेहतर रही थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने योगेश की बेहद तारीफ की जब उन्होंने ये गीत लिखा था। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे, पर नजर ना आए, नजर ना आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन बेरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। फिल्मकार बासु चटर्जी ने भी योगेश की गीतकारी को बेहद सराहा।
फिल्म रजनीगंधा का ये गाना लोगों की जुबान पर चढ़ चुका था। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा देखा है, मन तोड़ने लगता है अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन तोड़ने लगता है। बासुदा की एक और फिल्म थी दोस्तों, जिसमें अभिनेता अमोल पालेकर लीड रोल में थे। बातों बातों में फिल्म का योगेश का लिखा ये गाना भी बेहद मशहूर हुआ था। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा कि धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। बदल रही है जिंदगी, बदल रहे हैं हम, फिरक रही है जाने आज क्यों मेरे कदम मेरे कदम मेरे कदम। किसी को हो न हो मगर हमें तो है पता। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा, मगर न जाने ऐसा क्यों लगा लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। भूली सी आज सांसों में किसी की सांस है, सांस है सांस है ये कौन आज बोले तुम न मैंने कुछ कहा कहा कहा, कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा 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 के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई प्यार की बिना कहे सुने ही बात हो गई। अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मंजिल का योगेश का लिखा ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं। सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिमझिम गिरे सावन। 100 से भी ज्यादा फिल्मों में और तमाम प्राइवेट एल्बम्स के लिए गीत लिखने वाले गीतकार योगेश का हिंदी फिल्म संसार में एक अलग ही मकाम है।
हालांकि उनके गीतों को आर्ट फिल्म्स के गीत मानकर एक राय भी चस्पा की गई थी, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं है। सिचुएशन के मुताबिक उन्होंने अपने हर गीत को बेहतर सजाया है। खास बात यह कि अपनी विशेष अर्थपूर्ण शब्दावली से उन्होंने हर एक गीत को कला से भी ज्यादा कलात्मक तरीके से ऐसे लिखा कि सीधा सुनने वालों के दिल में उतर जाए। गीतकार योगेश की रचनाओं ने हमेशा ही सुनने वालों को लुभाया है, थिरकाया है, बहलाया है। उनके गीतों की शाब्दिक प्रासंगिकता और सामयिकता के सामंजस्य को सुनने वाले जीवन भर गुनगुनाते रहेंगे। रजनीगंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में, हाँ यूं ही महके प्रीत पिया के मेरे अनुरागी मन में। हर पल मेरी
मेरे अनुरागी योगेश। इस निराले महान गीतकार ने 29 मई 2020 को इस दुनिया को अलविदा कहा। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम समर्पित था गीतकार योगेश की यादों को। प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब इजाजत दीजिए।